तुमको खुद को कॉन्फिडेंस आने लगेगा यार, ये SSC का एग्जाम कोई बहुत टफ नहीं है, इसको मैं निकाल लूंगा, आज नहीं तो कल निकाल लूंगा। तुमने जो हवा बना रखा है ना मैथ्स का, रीजनिंग का है ना, जो डर है ना मैथ्स का, वो 2 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन कम से कम पेन चलाना पड़ेगा। आप मैथ्स के 100 बार देख लो सवाल है ना, 100 वीडियो देख लो इस यूट्यूब पे चल रहे हैं, लेकिन आप जब से खुद नहीं करोगे ना उन सवालों को, तब तक वो आपसे एग्जाम में नहीं होंगे, पेन आपका ही होंगे, ऐसे कांपता रहेगा वहाँ पे एग्जाम। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत स्पेशल काम करो, जो सिलेक्शन ले रहा है वो हर कोई ये वाला काम कर रहा है। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रहा हमारा सिलेक्शन? हम क्या चाहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि भाई हमें एक मिल जाए ऐसी जादू की कोई गुट्टी मिल जाए हमको, और उसको हम पी ले, ठीक है, और उसको पीते ही हमारा सिलेक्शन पक्का। हमको बाकी प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए सिंपल सा एक सोल्यूशन कि भाई ऐसा कुछ मिल जाए जिसको मैं कर लूँ और मेरा सोल्यूशन कोई ना रोक पाए, ठीक है, सिंपल चीज चाहिए अपन को। और इस जादू की गुट्टी की तलाश में ना अपन कभी किसी टीचर का कोर्स ले लेते हैं, कभी कोई बुक ले आते हैं दूसरी, ठीक है, अपने को बुक समझ में नहीं आई फिर अपन कोई नई स्ट्रेटजी वाली वीडियो पकड़ लेते हैं, स्ट्रेटजी वाली वीडियो समझ नहीं आई तो अपन किसी और नए यूट्यूबर को पकड़ लेते हैं, और इसी में अपना टाइम पास चलता रहता है ना, 3-4 चीजों में कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, लेकिन एक्चुअल जो सोल्यूशन है ना वो अपने को नहीं करना। आपको पता क्यों नहीं हो रहा हमारा सिलेक्शन? एक ये पोल करवाया था मैंने सिंपल सा है ना अपने यूट्यूब पे, और आप देखो ये पोल में क्या सिंपल सा सवाल पूछा है कि आज के टाइम पे कौन कौन डेली के 100 सवाल कर रहा है मैथ्स के, ना सिंपल सा क्वेश्चन भाई, डेली आपसे एक्सपेक्ट करते हैं हम कि यार आप एटलीस्ट डेली के 100 क्वेश्चन कर ही रहोगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और पता रिजल्ट क्या है? रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट है, ये भाई ये फेक फेक नहीं है, ये सच्चाई है ये, ठीक है। और इसलिए नहीं हो रहे सिलेक्शन आज के टाइम पे, मतलब 50% बच्चे भी नहीं है जो एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भाई खुद से सवाल सोल्व कर रहे हैं, जो एग्जाम में आएगा तो उनको एटलीस्ट अप्रोच पता रहेगी उस चीज की, है ना, 50% बच्चे भी नहीं है। तो ये करंट स्टेटस है, ये आपका एक्चुअल कॉम्पिटिशन है जो ये कर रहे हैं ना बच्चे, सिर्फ इतना सा आपका कॉम्पिटिशन है, बाकी सब फर्जी है, बाकी सब दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बातें कड़ी है लेकिन सच यही है, सब दिखावा कर रहे हैं, कोई घर वालों को दिखा रहा है, कोई किसी को दिखा रहा है, कोई अपने आप को दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जो सच में तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप किसी टीचर का कोर्स ले लोगे ना, चाहे कोई टीचर हो XYZ, और उसके बाद आपने अगर खुद से मेहनत नहीं करी उन सवालों को, है ना, उससे कोर्स करा दिया सवाल करा दिया, उसके बाद खुद से आपने अगर सवाल नहीं लगाया तो आपका सिलेक्शन हो रहा है भाई? अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि यार हाँ ये कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% झूठ बोल रहा है, गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सच्चाई में आ जाओ, थोड़ा सा सच्चाई दुनिया में जीने लग जाओ, ऐसे कभी नहीं होने वाला सिलेक्शन भाई। एक चीज करो, एक बार अपने आप से पूछो, ठीक है, तुम कि यार मैंने एक्चुअल में कितने दिन 100 सवाल मैथ्स के 100 सवाल इंग्लिश के खुद से प्रैक्टिस करें, और ये जो दिन है ना ये आपके एक्चुअल तैयारी वाले दिन है कि हाँ आपने इन दिनों सच में मेहनत करी है, और आप देखो कि आप बाकी बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और ये जो दिन है ना आपकी, अगर ये 6 महीने से कम है तो मेरे ख्याल से आपको बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अगर आप एवरेज बच्चे हो तो, अगर आप शार्प बच्चे हो तो एटलीस्ट 3 महीना आपको ये करना ही पड़ेगा, और ये आप नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, किसी और का होगा जो ये कर रहा है। एक बात समझ लो, मेरी बातें बहुत कड़वी है लेकिन ये दिमाग में डाल लो बात कि जब तक तुम ये सिंपल सा टारगेट ही पूरा नहीं कर पाओगे ना कि भाई डेली के एटलीस्ट 100 सवाल तो मैं कर लूँ एक सब्जेक्ट के, तब तक तुम सिलेक्शन से बहुत दूर हो। अब बच्चे बोलते हैं यार हमसे 100 सवाल नहीं हो पा रहे, तो भाई क्यों नहीं हो पा रहे, कारण ढूंढो ना उसका भाई, उस चीज पर रोने से तो कुछ होना नहीं है, उस चीज का कारण ढूंढना पड़ेगा ना, बिना वो करे अपने से अपना सिलेक्शन तो होना नहीं है ना, बिना अपने हाथ से प्रैक्टिस करे सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो सोल्यूशन ढूंढो ना कि यार मैं प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरे से एक टाइम लिमिट में इतने सवाल नहीं हो पा रहे। भाई अगर आपसे मान लो कि सवाल टाइम की वजह से नहीं हो पा रहे तो भाई एक काम करो कि जो मेरे से सवाल नहीं हुआ, ठीक है, मैंने डेली 100 का टारगेट लगाया, मेरे से सवाल नहीं हुए, आंसर देखा आगे बढ़े, ठीक है, आंसर देखा आगे बढ़े, जो सवाल नहीं हुआ उसको मार कर देंगे, तो अगली बार जब रिवाइज करेंगे तब देख लिया। लेकिन आप 1-1 घंटे में अगर 5 सवाल भी अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे ना, तो भाई बेटर है कि आप कोचिंग कर लो, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो ये आपकी बस की नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 घंटे में अगर आप 5 सवाल भी नहीं कर पा रहे हो तो आप भाई कंपटीशन में कहीं भी नहीं खड़े हो आज के टाइम में। भाई मैं मान रहा हूँ यार शुरू में टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है, आप शुरू में 4-4 घंटे में ही 100 कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट शुरू तो करो। इस डर से तुम बैठे रहोगे कि यार क्या पता एक और कोर्स कर लेता हूँ तो अब मेरे तुरंत आधे घंटे में सवाल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा यार भाई। जब तक तुम पहले 4 घंटे वाले लेवल पे हो, फिर 3 पे आओगे, फिर 2 पे आओगे, तो धीरे धीरे चीजें करके तुम थोड़ी इंप्रूव होने लगेंगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम तुरंत किसी का कोर्स कर लिया, किसी ने फिक्स सवाल करा दिया तो वो लगेगा कि फटाफट चीजें हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे ना, खुद से रफ कॉपी नहीं भरोगे, तब तक सिलेक्शन का नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। अपनी करंट कंडीशन क्या एटलीस्ट उसको तो समझो ना भाई, कब तक ऐसे फेक दुनिया में रहोगे? एटलीस्ट अपना अपन अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो तो पता लगाओ। अगर आपको सोल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा है ना, अपन कह रहे हैं कि चलो सवाल नहीं हुआ सोल्यूशन देख लिया, सोल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा तो ये क्लियर करो ना यार, अभी मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तो पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कहीं से पढ़ लो, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको आना यहीं पे, आपको आना प्रैक्टिस पे ही पड़ेगा। फाइनली जो बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनकी नहीं है उनको पहले क्लियर करके और वापस यहाँ प्रैक्टिस पाना है, ठीक है, तो ये स्टेप एक स्टेप बढ़ जाएगी अपनी, बस और कुछ नहीं है। लेकिन एटलीस्ट इसको समझो तो सही चीज को। भाई अपन ये रोते रहते हैं कि यार मेरे तो स्पीड नहीं बन रही, भाई मेरी स्पीड नहीं बन रही, मेरे से सवाल हो जाता है लेकिन टाइम से नहीं होता है।
तो एक चीज सोचो ना कि स्पीड कैसे बनेगी आदमी की, स्पीड कैसे बनती है। नॉर्मली जो बच्चा है, टॉपर बच्चा है, कोई भी है जैसे सिलेक्शन हुआ है, वो कोई खतरनाक आदमी नहीं है, नॉर्मल आदमी हम जैसा है ना, उसकी स्पीड कैसे बन रही है। वो एक सवाल को 2 या 3 बार कर चुका है, ठीक है, वो सवाल उसको वापस एग्जाम में आएगा, तो उसके दिमाग में जो शुरू की 2-3 स्टेप है ना, वो उसके दिमाग में क्लियर है, और उसका दिमाग वो 2-3 स्टेप अवॉइड करेगा और सीधा जो उसको फाइनल स्टेप है वहां पे जाएगा, ठीक है। तो वहां वहां टाइम बचता है आदमी का, है ना, वहां से स्पीड आती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई खतरनाक तरीके और उससे स्पीड बन रही है। आप प्रैक्टिस करोगे कि आपने कोई प्रॉफिट लॉस का सवाल है वो 2-3 बार कर रखा है, ठीक है, मान लो शॉपकीपर वाला सवाल है आपने 2-3 बार कर रखा है, आपके सामने पहली बार आएगा तो आपसे नहीं होगा ना, स्पीड नहीं बनेगी। लेकिन आप 3-4 बार कर रखे होगे तो आपको उसकी स्टेप पता है, तो आप उस स्टेप को दिमाग में कर लोगे, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहीं आपका बस टाइम कम होगा और वहीं से स्पीड बनती है। स्पीड बनाना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं कि आप कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख लोगे। तुमने जो हवा बना रखा है ना मैथ्स का, रीजनिंग का, है ना, जो डर है ना मैथ्स का, वो 2 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन कम से कम पेन चलाना पड़ेगा। 2 बार किताब लगा लो, कोई सी भी पीवाईपीआई को बुक उठा लो ना, पिनाकल उठा लो, किरण उठा लो, एटलीस्ट 2 बार कर लो, तुमको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार ये एसएससी का एग्जाम कोई बहुत टफ नहीं है, इसको मैं निकाल लूंगा आज नहीं तो कल निकाल लूंगा। लेकिन तुम जब तक ये करोगे नहीं ना, जब तक खुद से नहीं करोगे ना सवाल, जब तक तुम्हारे दिमाग में हमेशा डर बैठा रहेगा, और तुम हमेशा ना खुद से आंसर की बजाय ना दूसरों से आंसर ढूंढोगे, ठीक है, तुम किसी और के पास जाओगे यार भाई इसका सोल्यूशन बता है कि मैं मेरे मेरे को ये दिक्कत आ रही है मैं क्या करूँ, जबकि आंसर भाई तुम्हारे खुद के अंदर ही है, ठीक है। सवाल बस ये बात है कि तुम मेहनत से भाग रहे हो, मेहनत जब तक भागोगे ना तब तक फिर किसी और के भरोसे तुमको बैठना पड़ेगा, खुद से कुछ नहीं कर पाओगे कभी। और जब खुद का कॉन्फिडेंस 0 रहेगा ना, तो कोई भी जो भी है ना, जो भी बात बोलेगा वो तुम सब मानते रहोगे। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि एटलीस्ट डेली के 100 सवाल लगाना स्टार्ट कर दो, अगर आपका सिलेबस हो गया था ना 2-3 महीने से कह रहा हूँ, अगर आप डेली उस टाइम से भी लगा रहे होते तो आज की डेट में आपके 9,000 सवाल हो चुके होते, और एक बच्चा वो जिसने 0 सवाल लगाए, एक बच्चा वो जिसने 9,000 सवाल लगा लिए, तो अपने आप बहुत आगे हो गया भाई। आप ऐसा नहीं होता कि 50 में आपके 15 नंबर नहीं आते ना, आप एटलीस्ट 30-35 पे तो पहुंच जाते हैं। फिर देख तो धीरे धीरे चीजें फर्निश करते हैं अपन, ठीक है, देखते हैं कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन अपन 0 के 0 रहना चाहते हैं। अपन चाहते ही नहीं है कि यार अपन कुछ ऐसा कर लें इससे धीरे धीरे का एटलीस्ट इंप्रूवमेंट आए। तुरंत चीजें ठीक नहीं होती यार, ये समझो, या तो आप बहुत शार्प हो ना, आपका दिमाग बहुत तेज है, आप तुरंत करते हो चीजों को, लेकिन आप नहीं हो ना, 90% बच्चा वैसा है यहाँ पे ना, नॉर्मल बच्चा आता है, तो आपको घिसना पड़ेगा, नहीं घिसोगे तो सिलेक्शन भूल जाओ। और एक बात और बता दूं, अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो ना, ये बेसिक सी चीज की एक बार भी किताब खत्म नहीं कर पा रहे हो प्रीवाई क्योंकि, भाई ये वाला एग्जाम मत लिखो, कोई दूसरा एग्जाम दे लो, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ दूसरा एग्जाम भी मत दो, क्योंकि वहां भी सेम चीज है, कॉम्पिटिशन उतना ही है, बच्चे वहां भी पढ़ रहे हैं ना, सिलेक्शन बहुत लिमिटेड लोगों का ही होगा, 1% लोग भी सिलेक्ट नहीं होते आजकल, है ना, इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम में आपको पता ही रेट कितनी सिलेक्शन की। तो बेटर है कि जो स्थिति है ना उसको समझो करंट में। कोई भी आपको कह रहा है ना कि यार इसका कोर्स ले लो, है ना, ये वाली बुक से पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, भाई वो झूठ बोलता है, ठीक है, वो उसमें अपना फायदा है, उसका खुद का कुछ ना कुछ फायदा है। कोई भी आपको कैसा भी पढ़ा दे, जब तक आप खुद से कुछ भी नहीं करोगे ना मेहनत, आपको वो चीज एग्जाम में क्लिक ही नहीं करेगी, ये क्लियर कट बात है। अपन जीके के कुछ भी देखते रहते हैं सवाल, है ना, वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं वो चीज। आप मैथ्स के 100 बार देख लो सवाल, है ना, 100 वीडियो देख लो इस यूट्यूब पे चल रहे हैं, लेकिन आप जब से खुद नहीं करोगे ना उन सवालों को, तब तक वो आपसे एग्जाम में नहीं होंगे, पेन आपका ही होंगे, ऐसे कांपता रहेगा वहां पे एग्जाम में। इसको समझो यार, मतलब तुम क्यों दूसरों के पीछे भाग रहे हो। जब तक तुम खुद से किसी किताब को 2-3 बार नहीं करोगे ना, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको, ठीक है, जो चल रही है किताबें काफी टाइम से उनको, कोई सी भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद से 2-3 बार नहीं करोगे, उसमें तुमको क्या दिक्कत आ रही है, उसका रिविजन नहीं करोगे, ठीक है, अपने नोट्स को ढंग से रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, तब तक तुम सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे। कोई कुछ भी घुट्टी पिलाता रहे, फिर अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। और ये बात ना जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बढ़िया है। मेरे को 2 साल बाद समझ में आई तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको पहली बार में समझ में आ जाए, बेटर है। खुद से मेहनत करोगे तो जल्दी सिलेक्शन लोगे, ठीक है भाई। आज कम से कम एक कसम खाओ, खुद से खुद की एक कसम खाओ कि यार आज चाहे कुछ हो जाए, अगर मेरा सिलेबस पूरा हो चुका है मैथ्स और इंग्लिश का, तो मैं डेली जो पीवाईक्यू की बुक है उसमें से 100 सवाल शुरू करूंगा, एटलीस्ट आज से शुरू करूंगा, है ना। तो भले ही मेरा ये एग्जाम नहीं निकले, एटलीस्ट अगले के लिए तो मैं रेडी रहूंगा, ऐसा ना होना कि वो भी बर्बाद हो जाए मेरा। 100 सवाल डेली मैथ्स से करूंगा, डेली 100 सवाल इंग्लिश के करूंगा, 50 से 60 सवाल डेली मैं रीजनिंग के करने, उसके अलावा मेरे को डेली जीके पढ़नी है लूसेंट में से, ठीक है, इसके अलावा डेली मेरे को वोकैब पढ़नी है। और ये तो मिनिमम है, ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत स्पेशल काम करो, जो सिलेक्शन ले रहा है वो हर कोई ये वाला काम कर रहा है, ठीक है, इतना तो अपन को मिनिमम करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। भाई अपने टाइम टेबल में ना जो सब्जेक्ट है उनको टाइम फिक्स मत कर दो कि 4 घंटे इंग्लिश 4 घंटे मैथ्स, सवालों को फिक्स कर दो कि भाई मेरे को इतने सवाल मैथ्स से करना है, इतने सवाल इंग्लिश से करना है, चाहे उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे कम होगा वो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप आज के टाइम में आपको 4 घंटे लग रहे 100 सवाल करने में, तो आज से 2 महीने बाद भी 4 घंटे लगेंगे, चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बहुत बेकार लग रहा होगा तुम्हें, क्योंकि ऐसा कोई बोलता नहीं है ना, या तो मैं तुम्हारी चापलूसी करता रहूँ और तुम्हें धोखे में रखूँ, लेकिन क्लियर कट बात ये है, ये फॉलो करके देखो 2-3 महीने में तुमको अपने आप इंप्रूवमेंट लगेगा, खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ऐसा एग्जाम नहीं है कि इसको मैं निकाल नहीं सकता,
ठीक है, मेहनत और सही डायरेक्शन में मेहनत की जरूरत होती है, बस इजीली एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन खुद को धोखे में मत रखो, ठीक है, ऐसा मत करो कि यार मैं ऐसा कोर्स कर रहा हूँ और कोर्स ही करे जा रहा हूँ, नोट्स पढ़ रहा हूँ नोट्स ही पढ़े जा रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आज समझा रहा हूँ समझ लो, ठीक है, तुमको खुद कुछ टाइम बाद समझ में आएगा, तुम एक दो बार एग्जाम दो दे लोगे तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है कि अभी समझ जाओ, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद पे भरोसा रखो, है ना। सिलेबस एक बार किसी भी टीचर से कर लो जो तुम्हारा फेवरेट है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसके बाद खुद को मेहनत करनी है, उसके बाद टीचर का रोल खत्म है, इतनी बस बात समझ लो। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प होगी और आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, क्योंकि अपना फाइनल गोल क्या है, एग्जाम क्रैक करना।